कैनवा का एक बेसिक ओवरव्यू हम समझ चुके हैं। आज से इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फिनिशिंग आएगी, उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ समथिंग ईजी, कुछ ईजी डिज़ाइन से, कुछ बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन से हम शुरू करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम एडवांस डिज़ाइन। सो इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सा कोट डिज़ाइन बनाकर बताने वाली हूँ, तो आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इसी से ही हमारी फिनिशिंग अच्छी होगी हमारे डिज़ाइन पर। तो चल रही है, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन डब्ल्यू एस क्यूब टेक चैनल। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कैनवा कोर्स। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है और पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको कैनवा की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेक श्योर करें कि उसमें से एक भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड अभी तक अगर आपने डब्ल्यू एस क्यूब टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम कैनवा पर एक बेसिक कोट डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो मैंने ये दो कोटेशन निकाल लिए थे, ठीक है। तो मैं आपको दो डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा लगा। एंड जस्ट खुद की भी प्रैक्टिसिंग जो है ना, वो आप चालू रखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखकर या सुनकर ही आप एक ग्राफिक डिजाइनर या फिर कैनवा में एक्सपर्ट हो जाएंगे। नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। सो यहां से मैं क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। यहां पर आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैं अगर यहां पर लेट्स से कोट्स भी ट्राई करती हूँ, तो यहां पर आपको मोटिवेशनल पोस्टर नाम से या फिर कोट इंस्टाग्राम स्टोरी, ये भी आपको मिल जाएंगे। तो हम ना एक काम करते हैं, एक हम ले लेते हैं टेम्पलेट और एक हम खुद से मतलब स्क्रैच से डिजाइन बनाएंगे। तो दोनों ही मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। सो एक तो मैं ले रही हूँ टेम्पलेट, ठीक है। सो टेम्पलेट लेने के लिए लेट्स से आई एम टेकिंग इंस्टाग्राम, या फिर एक काम करते हैं नॉर्मल मोटिवेशनल पोस्टर ले लेते हैं। तो मोटिवेशनल पोस्टर मैंने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हमारे ओपन हो जाएंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स आ चुके हैं। आप इसमें से अपना जो पर्टिकुलर नीश है, कोई आपका जो थीम हो, कलर पैलेट हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट समथिंग इन ब्लैक, तो ब्लैक यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो ब्लैक कलर में ही आपको काफ़ी सारे जो हैं टैम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं ये ब्लैक वाला ऑप्शन हटा रही हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है उसी तरीके का मैं टैम्पलेट जो है यहाँ पर चूज़ करने वाली हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस डिज़ाइन, ठीक है। सो ये तो बहुत ही सिंपल सा मैंने एक टैम्पलेट लिया है, इसको मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया है। एक मैं इसी में ही, जैसे मैंने बोला, मैं एक सेल्फ डिज़ाइन मतलब खुद से एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, तो मैं यहाँ पर ऐड पेज कर रही हूँ। तो ये मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया, हम दोनों पर ही काम करेंगे। आप मुझे एंड में वीडियो पूरी देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोनों में से कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, जो हमने खुद से बनाया है या फिर जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है। तो ये काफ़ी सुंदर आप देख सकते हो, देखो टेम्पलेट बना हुआ है। इसमें बेसिकली तीन चार ऐसे ना लेयर्स बनी हुई हैं, लाइक फर्स्ट लेयर इज़ दिस पेपर एंड देन अगेन दिस पेपर इज़ देयर। ये अलग से ही पेपर है, देखो इसको मैं अगर मूव करूँगी ना तो ये यहाँ से इस तरीके से अलग भी हो जाएगा। तो आई लव दिस आइडिया, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर भी एक जो रिप्ड पेपर है वो यहाँ पर है, देन बीच में हमारा कोटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो भी यूजर नेम है दैट पर्सन का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरा एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर सकते हो, इवन वी कैन चेंज द कलर ऑल्सो, बट आई ऑलरेडी लाइक इट। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सिर्फ कोटेशन को चेंज करने वाली हूँ। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोट लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह पर अपना जो मैंने कोट सेलेक्ट किया था वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर सिंपली मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो इसका जो अपना साइज है अपने टेक्स्ट का वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, इसका आप अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको लाइक बिल्कुल सेंटर में रख देती हूँ एंड दिस रिमेंबर लिखा हुआ है, तो रिमेंबर इस पर जा रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। एंड यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम जो है वो इधर लिख देती हूँ, ओके। सो आई एम राइटिंग माई यूज़र नेम हेयर, ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। आप इसको अपने इसके मतलब जो टेक्स्ट साइज अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको और भी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, जिससे कि लाइक रीडेबल हो थोड़ा सा, ओके। सो लेट्स, यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया। अभी चाहें तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑथर का नेम नहीं है, अगर ऑथर का नेम भी आप पुट करना चाहते हैं तो मैं एक काम करती हूँ कि ये जो कोटेशन है और ये जो रिमेंबर लिखा हुआ है ना, इसको मैं इधर नीचे ले आती हूँ और यहाँ पर मैं ऑथर का नेम डाल देती हूँ। सो ऑथर है दिस, और मैंने यहाँ से कॉपी करके और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद में इसका थोड़ा सा मैं जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर देती हूँ यहाँ से, ओके। सो
और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं हम. ओके या सो कुछ इस तरीके से ये मेरा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है. मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कर देती हूँ एकदम बिल्कुल. सो आप देखोगे सो दिस इज माई कोट. ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं. सो लिविंग इज द आर्ट ऑफ गेटिंग यूज टू वट वी डिडेंट एक्सपेक्ट एंड दिस इज एलेनोर सी वुड का ये हमारा लाइक कोटेशन है. काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एस्थेटिक, काफ़ी सिंपल, काफ़ी एलिगेंट. ठीक है, सो यहाँ से आप तो चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और अपना अगर आपको मान लीजिए फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज आई विल गो विद दैट करंट फॉन्ट क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. ठीक है, सो हम वापस उसी फॉन्ट पर आ जाते हैं. ओके चलिए, सो ये एक हमने सिंपली टैम्पलेट का यूज़ किया, हमारे अकॉर्डिंग चेंजेस किए और हमने एक कोटेशन बना लिया. अभी एक ट्राई करते हैं हम बिल्कुल स्क्रैच से. ठीक है, सो स्क्रैच से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज सम कलर्स. ठीक है, तो कलर्स आप चूज कर सकते हो. आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो कलर चूज कर सकते हो. बैकग्राउंड में आप एक ब्लैंक लाइक कलर ले लो या फिर आप कोई इमेज भी पुट कर सकते हो. तो मैं आपको इमेज वाला पार्ट बता देती हूँ बिकॉज दैट इज रियली नाइस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेम्पलेट तो ले रही थी, मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी और एलिमेंट्स में लेट्स से जैसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी थीम क्या है. जैसे कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स सेल्डम कम बट स्मॉल वंस सराउंड अस एवरी डे, दिस इज अबाउट हेल्पिंग पीपल. ठीक है, सो मैं कुछ उसी तरीके का लाइक ग्रैटिट्यूड या फिर हेल्पिंग पीपल, काइंडनेस, कुछ उस तरीके का वर्ड जो है टाइप करूंगी जिससे कि इसी तरह के कुछ जो इमेजेस हैं वो मुझे मिले. जैसे काइंडनेस आ गया, बी काइंड आ गया, तो इसमें से अगर आप चाहें तो कुछ पिक्चर जैसे फॉर एग्जांपल आई लव दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर को मैं यहाँ पर ये यूज कर लेती हूँ. इसके अलावा भी कोई अगर आपको पिक्चर मिल रही है तो वो आप देख सकते हैं. सो आई विल गो विद दिस पिक्चर ओनली. तो सबसे पहले तो मैं इसको फिट कर लेती हूँ. ठीक है, लेट मी फिट इट आउट. तो ये देखिए मैंने मिड पार्ट में जो हमारा जो कोटेशन था मैंने इस जो पर्टिकुलर इमेज है इसको मैंने कर दिया है. ये जो बैकग्राउंड है इसका मैं एक बार कलर डिसाइड कर लेती हूँ जो इसके साथ में लाइक कॉम्प्लीमेंट करे. ओके, सो व्हाट आई हैव डन हियर कि मैंने यहाँ पर ये पिक्चर लगाई और जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो सेम यहाँ से कलर कर दिया बिकॉज जब मैंने कलर ऑप्शन पर क्लिक किया ना तो ये ही कलर आया. रीजन बिंग क्योंकि इस पिक्चर में ऑलरेडी ये कलर्स थे, यहाँ पर मैंने चूज नहीं किए हैं. ये डॉक्यूमेंट कलर जो है ये जो इस डॉक्यूमेंट जो मैंने लिया है ना, जो मैंने पिक्चर लिया उसमें जो जो कलर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कलर आ गया. तो मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सेम कलर ले लिया है. ठीक है, तो दिस इज एन अमेजिंग थिंग अबाउट कैनवा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ही ऑटोमेटिकली दे रहा है. ठीक है, अब ये करने के बाद में ये जो यहाँ पर पिक्चर है मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकती हूँ. सो लेट्स जस्ट ट्रांसपेरेंट इट अ लिटिल. ठीक है, बिल्कुल छोटा थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर रही हूँ, अराउंड 70%, अराउंड 30% से मैं इसको जो है ट्रांसपेरेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है. वो इसीलिए क्योंकि इस पर जो मैं कोटेशन लिखूँ वो हाईलाइट हो, ना कि पिक्चर. पिक्चर तो जस्ट एक बैकग्राउंड रेफरेंस के लिए है. ठीक है, सो मैंने इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है. अब मैं इस इमेज में जो हमारा टेक्स्ट है यानी जो हमारा कोटेशन है मैं उसको ऐड करूँगी. तो इसके लिए मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाती हूँ. ठीक है, यहाँ से आपको कोई अगर टेक्स्ट पसंद आता है तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद का जो टेक्स्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं. सो मैं ये वाला एक ऐड कर दूंगी, जस्ट अ सेकेंड. सो ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, सो अभी सिर्फ हमने पेस्ट किया है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ऊपर ले लेती हूँ एंड दिस. यस, मैंने थोड़ा सा इसका साइज जो है वो ठीक कर दिया है. एंड अभी यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है वो हमें डिसाइड करना है. अब देखिए जैसे कोटेशन है या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को, तो उसके लिए हम कुछ लाइक कह सकते हो कुछ इटैलिक टाइप जो फॉन्ट्स होते हैं ना, काफ़ी जो ग्रेसफुल, वो हम ले सकते हैं. बट उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो रीडेबल हो, यानी काफ़ी अच्छे से कोई पर्सन जो है उसको रीड कर पाए. तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका कलर चूज़ कर लेते हैं जिससे हमें जज करना आसान हो. तो ये देखो ये हमारे डॉक्यूमेंट कलर्स हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑफ वाइट कलर भी अच्छा जा रहा है. तो हम मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं एक बार फॉन्ट डिसाइड कर लेते हैं फिर हम कलर का दोबारा चूज कर लेंगे. सो यहाँ पर मैं कुछ अच्छे फॉन्ट्स जो कि ऑब्वियसली अब जैसे ये भी एक काफ़ी अच्छा डिसेंट लग रहा है बट दिस इज रीड करने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. मैं इसको थोड़ा सा लाइक जूम कर देती हूँ आपके लिए. ओके, तो यहाँ पर हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे. तो ये वाले फॉन्ट्स मुझे मतलब अच्छे लग रहे हैं ये, लेकिन इनको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो ऐसे फॉन्ट्स ना लेकर मैं कुछ ऐसे फॉन्ट जो कि दिखने में भी अच्छे हों एज वेल एज उनको रीड करना भी आसान हो, ऐसे कुछ फॉन्ट जो हैं वो ट्राई करूँगी.
फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये जो मैंने एक फॉन्ट चूज किया है कैनवा स्टूडेंट फॉन्ट, दिस इज रियली नाइस. देखो काफ़ी दिखने में भी अच्छा लग रहा है, एज वेल एज इसको रीड करना भी आसान है. ठीक है, सो ये एक फॉन्ट, इट कुड बी अ चॉइस. ठीक है, और कुछ देख लेते हैं सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनको देख पाओ. दिस पर्टिकुलर फॉन्ट कॉल्ड कलम लाइट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द कोटेशन. तो कलम लाइट ये एक फॉन्ट है, और जो मैंने आपको एक बताया कैनवा स्टूडेंट वाला फॉन्ट, वो भी काफ़ी अच्छा फॉन्ट है. तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिएगा तो हो सकता है आपको कोई और भी अच्छा फॉन्ट मिल जाए. अगर आपको कोई मिलता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ठीक है, सो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट एक बार ट्राई करते हैं. ठीक है, ये वाला जो फॉन्ट हमने लिया हुआ है, एंड इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके भी ट्राई करती हूँ. येस, बोल्ड में ये काफ़ी बेटर लग रहा है. सो ये मेरा एक फॉन्ट हो गया यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और वापस थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके देख लेती हूँ. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप अगर कभी भी किसी इमेज में या किसी ग्राफिक में टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, सो मेक श्योर करो कि मार्जिन आपके कवर नहीं होने चाहिए. लाइक मेक श्योर करो कि यहाँ से एटलीस्ट 15% जो आपका मार्जिन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड और टॉप और बॉटम में आपका लेफ्ट होना चाहिए. बहुत सारे इसके रीजंस हैं, कभी भी आपको क्रॉप करना पड़ जाए या फिर प्रिंटिंग के लिए भी अगर जाए तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती. सो मेक श्योर करो कि आप मार्जिन ज़रूर रखो. ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर अपना कोटेशन लिख दिया है. आप अब हमारा ऑथर का नेम है तो ऑथर का नेम भी चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं ना यहां पर एक चीज करने वाली हूं, एंड दैट इज बेसिकली मैं यहां पर कोटेशन मार्क्स लगाने वाली हूं. ठीक है, सो यहां पर मैं लिखती हूं इधर कोटेशन मार्क, और मैं कोटेशन मार्क यहां पर कॉपी कर लूंगी. सो दिस पर्टिकुलर कोटेशन मार्क मैंने यहां पर कॉपी कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर इधर पुट करना चाहूंगी. सो ये कोटेशन मार्क आ गया, इसका मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, फिर मैं इसको डबल कॉपी कर दूंगी. ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर सेम कलर में ले लिया, जो मैं डॉक्यूमेंट कलर है ना अभी मैं वही यूज़ कर रही हूँ. अब इसी वाले को सेम मैं कॉपी करके और इधर पेस्ट कर देती हूँ. ठीक है, ये यहाँ पर डबल आ गया, इसको मैं यहाँ लगाऊंगी, बट ऑब्वियसली ये यहाँ पर फ्लिप होना चाहिए, तो पहले मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ हॉरिजॉन्टली भी. मैंने इसको हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी फ्लिप कर दिया, क्योंकि कोटेशन मार्क इसी तरह से होते हैं. ठीक है, सो इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो कोटेशन मार्क था ये भी मैंने लगा लिया है. ठीक है, सो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो ये ग्राफिक था ये थोड़ा सा रेडी हो रहा है. ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना लाइक ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ. ठीक है, जस्ट टू 70% मैं इसको अगेन कर देती हूँ. अब ऐसा ना, जैसे जो भी मैं एलिमेंट ऐड करती हूँ ना अपने ग्राफिक्स में, उसमें आई मेक श्योर कि वो मेरे टेक्स्ट को ज़्यादा हाईलाइट करें, मतलब जो मैं मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ उसको ज़्यादा हाईलाइट करें, रेदर देन वो एलिमेंट ज़्यादा हाईलाइट ना हो. तो इसीलिए मैंने इमेज को भी इसी वजह से मैंने ट्रांसपेरेंट रखा, एज वेल एज ये जो मैंने दो एलिमेंट लगाए इसको भी मैंने हाईलाइट जो है इसकी कम की, यानी इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मैंने किया. ठीक है, सो ये हमारा एक कह सकते हो एक थोड़ा आइडिया जो है हमारा क्लियर हो रहा है. ओके, सो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, वो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो ये मेरी इमेज लगी हुई है और बैकग्राउंड का जो इमेज था वो मैंने सेम कलर लिया था, लेकिन अभी मैं जो बैकग्राउंड का इमेज कलर है ना उसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ. सो बैकग्राउंड कलर मैं ये जो डार्केस्ट शेड था इसमें लाइक जो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का वो मैं करने वाली हूँ. सो अब देखिए ये मेरी जो एक पिक्चर थी जो मैंने कोड जो एक नॉर्मल जनरली एक क्रिएट किया है वो मेरा कंप्लीट हुआ है. एंड सो दिस इज़ आर कोटेशन, इसको आप जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो. कोई भी अभी तक हमने पेड टूल जो है यानी जो पेड एलिमेंट है वो हमने ऐड नहीं किया है, यानी बिल्कुल जो फ्री वर्जन है ना कैनवा का उसी से ही हमने ये बनाया है. सो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, एंड पीएनजी फॉर्मेट में भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जेपीजी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारे दो कोटेशन हमने जो है क्रिएट किए हैं. पहला जो है हमने टेम्पलेट से बनाया है, बहुत ही अमेजिंग हमने टेम्पलेट यूज किया है और उसमें बहुत ही हमारा काम आसान हो गया. यहाँ पर हमारा काम जो है थोड़ा सा मतलब हमें टाइम ज्यादा लगा, लेकिन ये हमने खुद के लिए बनाया है, बिल्कुल ओरिजिनल है ये. ठीक है, सो आपको आप करना क्या है, पहले तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ दोनों में से आपको अच्छा कौन सा लगा. दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको लगता है ना कि नहीं अभी हमें आइडियाज नहीं आ रहे, कुछ भी रैंडम इंटरनेट पर सर्च करो कि ये चीज मुझे बनानी है और उसको फिर ट्राई करो आप कैनवा पर. ठीक है, बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो ये स्किल है डिजाइनिंग का ये इंप्रूव होता जाएगा. लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोनों में से कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लगा, या फिर कौन से और फॉन्ट मुझे
मुझे चूज करने चाहिए थे. आई विल बी वेटिंग. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ट्रस्ट मी, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट यू सेंड मी. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड बहुत सारी अभी मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आने वाली हूँ, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे टूल्स कैनवा में क्या क्या कैसे आप यूज कर सकते हो, और साथ साथ में हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे. और अगर कोई आप स्पेसिफिक टाइप की वीडियो या फिर डिजाइन आप चाहते हैं कैनवा के थ्रू, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी तरह की उसी डिजाइन की आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी. सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.